रोड्स कर्वी क्यों होते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं? हम में से ज्यादातर तो लोग ये जानते हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट तब होता है जब उनके बीच में एक सीधी लाइन बनाया जाए। लेकिन ये जानते हुए भी ज्यादातर रोड्स आड़े टेढ़े होते हैं। आप में से ऑलमोस्ट सारे लोग ये कहेंगे, भाई अगर रोड को स्ट्रेट लाइन में बनाया जाएगा तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आएगी, टेरेन की, लैंड की, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशंस की, जो कि सही है। लेकिन रोड प्लानिंग इससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके वजह से अगर रोड बनाने के लिए सारी कंडीशंस फुलफिल भी हो जाए किसी स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए, तो भी कुछ और रीजंस की वजह से उसे नहीं किया जा सकता, और वो हम आज समझेंगे। ये वीडियोस उन वीडियोस में से एक है जहां पर मे बी आपको ऑलरेडी एक आइडिया होगा कि ऐसा क्यों होता है और इस सिंपल सवाल के ऊपर वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन कई बार चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती है, और आज डिटेल में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि रोड सीधे क्यों बनाए नहीं जा सकते। इसकी वजह से आपको कोई कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको पता रहेगा कि रोड्स जो है वो सीधे क्यों नहीं बनते। रोड्स होते हैं मीडियम ऑफ कनेक्टिविटी किसी भी दो जगहों के बीच में। जो सबसे बेसिक फंक्शन होता है किसी रोड का, वो है कनेक्शंस प्रोवाइड करना, ताकि लोग किसी भी रीजन की वजह से, फिर चाहे वो जॉब्स हो, हेल्थ केयर हो, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी रीजन की वजह से आपस में कनेक्ट कर पाए। और कोई भी मेजर, माइनर या कोई भी रोड बनाते समय ये चीज कंसीडर की जाती है। हार्डली कभी कोई ऐसा रोड बनता है जो कि कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ना बनाया जाए और सिर्फ कहीं से शुरू होकर कहीं पर भी वो खत्म हो जाए, जाके बीच में कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं थी। अगर हम एक एग्जांपल के साथ में बात करें तो सपोज मुंबई और सूरत के बीच में कोई नया हाईवे बन रहा है, और हम फिलहाल कंसिडर करते हैं कि कोई ऐसे दूसरे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो कि एक सीधा रोड बनाने हमें रोक रहे हैं, चाहे वो लैंड हो, टेरेन हो, कोई भी चीज, और हम एक डायरेक्ट सीधी लाइन बना दे मुंबई और सूरत के बीच में, तो वो कुछ ऐसी नजर आएगी। इस लाइन को देखते आपको समझ में कि इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी ये बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। मुंबई और सूरत के बीच में तो ऑब्वियसली लोगों को काफी तेज से कनेक्ट कर देगी, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच में जो दूसरे कुछ सारे शहर आते हैं, वापी, नवसारी, वलसाद, इन जैसे बड़े पॉपुलेशन सेंटर्स को हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और छोटे टाउन्स, विलेजेस, इनकी तो यहाँ पर बात हो ही नहीं रही है, और इनका फायदा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हम इन चीजों को छोड़ भी दे, सिर्फ सोचे कि मुंबई और सूरत का फायदा कराना है, तो भी अगर अब तक नहीं आप देख पाए तो यहाँ पर अभी हमने दुनिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज बना दिया, जो कि ऑब्वियसली बनाने में ना आसान होगा, ना सस्ता होगा, ना वो इजीली बन पाएगा इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग चैलेंजेस। तो सी ब्रिज नहीं, लेकिन एक पूरा एग्जांपल लेते हैं मुंबई से लेके दिल्ली तक के रूट का। फिर से हम भूल जाते हैं कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना रोड का काम है, और हमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और मुंबई की परवाह है जिनके बीच का हमें ट्रैवल डिस्टेंस सबसे कम करना है। तो इसके कारण टेक्निकल इश्यूज क्या आएंगे वो दिख के समझते हैं। सबसे पहले आते हैं वेस्टर्न घाट्स। बड़े बड़े यहाँ पर पहाड़ है, बड़े बड़े यहाँ पर वैलीज है, जो एलिवेशन है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है, और इसके वजह से अगर स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे हमें चीजें बनानी है तो घाट्स की जरूरत पड़ती है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। लेकिन अगर हमें घाट्स नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट लाइन ही चाहिए, तो हमें बनानी पड़ेगी टनल्स, और ये टनल्स नॉर्मल नहीं होगी। ज्यादातर टनल्स से अलग ये टनल्स जो है वो मल्टी किलोमीटर लंबी होगी, बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ में से चलना पड़ेगा, और ये एक चेन ऑफ टनल्स होगी अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है तो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग चैलेंजेस आएंगे, पैसे भी बढ़ जाएंगे। साथ साथ कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं इन घाट सेक्शंस में जहाँ पर एलिवेशन चेंज इतना ज़्यादा ड्रास्टिक होता है कुछ ही किलोमीटर्स के विड्थ के अंदर कि टनल्स तक यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगी, और वहाँ पर एक कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी टनल्स और वायाडक्ट्स का, जो कि अपने आप में और कॉस्ट को एस्केलेट करेगा और दिक्कतें बढ़ाएगा, रोड के कंस्ट्रक्शन को और डिफिकल्ट बना देगा। अब चलो मान भी ले कि ये टेरेन डिफिकल्टीज को हमने ओवरकम कर लिया और किसी तरीके से हम इसके कॉस्ट की भी परवाह नहीं करते, हम सीधा लाइन बनाना ही चाहते हैं, तो आगे जाकर इसके अंदर क्या दूसरे टेक्निकल इश्यूज आएंगे वो समझते हैं। सपोज कोई दूसरे बड़े शहर यहाँ पर आ जाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कोई दूसरे टाउन्स आ जाते हैं, कोई दूसरे फैक्ट्रीज, अर्बन सेटलमेंट, कोई भी चीज़ आ जाती है, तो क्योंकि हमारा एम है कोई स्ट्रेट लाइन के अंदर रोड बनाना, तो हम इतनी सिटीज़ के अंदर जो है वो मेजर डिस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। बेसिकली सीधा रोड बनाने के लिए बहुत जगहों पर तोड़फोड़ करते हुए निकलना पड़ेगा। अगर मान भी ले कि गाँवों में से शहरों में से लोगों को हमने स्थलांतरित कर भी दिया, तो आगे जाके कुछ नॉन स्थानांतरेबल जगह भी आती है, जैसे कि अगर हम फिर से मुंबई दिल्ली वाले रूट को देखें एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो यहाँ के बीच में ही पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, जहाँ पे ऑब्वियसली जो जानवर है उन्हें हम स्थलांतरित नहीं कर सकते, उनको नया घर देने से कोई मतलब हुए नहीं, और वो उनका जो फिलहाल प्रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड एरिया है वहीं पर वो रह पाएंगे। NHAI इतने बड़े एक्सप्रेसवेज यहाँ पर बना भी नहीं सकती, कई सारे लीगल इश्यूज यहाँ पर आएंगे जो कि कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है रूल्स के अंदर, ताकि इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसी तरीके से कोई दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
आती है, कोई प्रोटेक्टिव जोन आता है, कोई लेक आता है, कोई फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आता है जो कि देश के रनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ें स्ट्रेट लाइन रोड को बनने नहीं देगी। इसी तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अपने बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं कैश करो का इस्तेमाल करते हुए, और वो भी अप टू 30% तक। आप लोग स्विगी, अमेजोन, अजियो, मिंत्रा इन जैसे कई वेबसाइट्स पर आए दिन पैसे स्पेंड करते होंगे। ऐसे ही 1500 से ज़्यादा वेबसाइट्स पर कैश करो आपको कूपन कोड्स और सेल डिस्काउंट के ऊपर भी कैशबैक प्रोवाइड करवाता है। और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ऐप ये है अपने सारे शॉपिंग नीड्स के लिए, जहां पर आपको अलग अलग ऐप्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कैश करो के द्वारा मिला हुआ कैशबैक रियल कैश होता है, जो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो या चाहे तो अमेजोन वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए कैश करो के लिए साइन अप करते हो या फिर प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आपको डायरेक्टली डाउनलोड करते हो, तो PD25 इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद में आपको ₹25 का बोनस मिलता है साइन अप करने के ऊपर। अब आपको चालू करके अपने फेवरेट स्टोर को सर्च कीजिए, नॉर्मल जिस तरीके से शॉपिंग करते हैं उस तरीके से शॉपिंग करते हुए प्रोडक्ट्स को कार्ड में ऐड करने के बाद में अपना पेमेंट जैसे करते हैं या COD से उसे मंगवाते हैं, उस हिसाब से ही कैश करो आपको कैशबैक प्रोवाइड करता है। कैश करो ऐप के माय अर्निंग सेक्शंस में चेक करने पर आपको अपना कैशबैक दिख जाएगा और रिटर्न पीरियड ओवर होते ही आप इस कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करवा सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कैश करो ऐप को डाउनलोड करें अपना ₹25 का बोनस क्लेम करने के लिए, या अगर आप ऐप स्टोर प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो PD25 कोड को इस्तेमाल करना ना भूले साइन अप के दौरान। अब फिर से इन सारी चीजों को हम कंसीडर ना भी करें कि हमें पैसों की भी परवाह नहीं है, हम जो है कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओवरकम करते हुए चीजों को अपनी जगह से हटाकर सीधा रोड बनाएंगे, तो भी एक बड़ा इशू निकल कर आता है फाइनली, वो है सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो हर कोई प्रोजेक्ट के अंदर निकल कर आता है, जो कि है कॉस्ट। नॉर्मल रोड जो बनता है एक नॉर्मल अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें सिंगल लेन के हिसाब से, तो वो पर किलोमीटर कॉस्ट अराउंड 14 करोड़ रुपीज का देश के अंदर आता है। लेकिन जब एक सीधी लाइन के अंदर रोड बनती है, एलिवेशन चेंज का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, टेरेन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, टनल्स और वायडक्स का जो पोर्शन होता है किसी रोड के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कंसीडर करें कि रोड वायडक्स के जरिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है अपने 10-15% सेक्शन पर भी, तो भी 38-44 करोड़ रुपीज का खर्च आता है 1 किलोमीटर का वायडक्ट रोड बनाने के लिए एक लेन का। वही टनल कॉस्ट की बात करें तो ये पर किलोमीटर 600 करोड़ रुपीज तक निकल कर आती है भारत के अंदर। यानी ये जो रोड्स है ये नॉर्मल रोड से इजीली 5 से लेके 60 गुना ज्यादा महंगे हो सकते हैं, और किसी भी डिपार्टमेंट की कितनी भी इच्छा हो कहीं पे से भी कैसे भी रोड बनाने की, उसके लिए वो कितना भी एफर्ट ले ले, इन दी एंड कॉस्ट जो है उनके लिए बैरियर बनता है। हर प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है मल्टीफोल्ड बढ़ाना गवर्नमेंट के लिए ऑप्शन नहीं है, और पैसे बचाते हुए सबसे ज्यादा एफिशिएंट डिजाइन के साथ में रोड बनाना ही ज्यादातर गवर्नमेंट के लिए फायदा होता है। और इसी के अंदर हम एक बहुत ज्यादा तगड़ा एग्जांपल भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर अवेलेबल है, जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। इस रोड को बनाते समय भी जो मेन डिसीजन था वो था कि कम से कम डिस्टेंस के बीच में दोनों सिटीज को कनेक्ट करें, लेकिन यहाँ पे बीच में आता था लोनावला घाट, जिसे खंडाला घाट भी कहते हैं, जहां पर पहले प्लान्स के हिसाब से क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाने थी डिस्टेंस कम करने के लिए, तो वायरडक्स और टनल्स और ब्रिजेस की एक चेन सोची गई थी, लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास में इतने पैसे थे नहीं उतना बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, भारत के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए भी इंजीनियर्स और टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, जिसके कारण उस समय पर उसे स्किप करना पड़ा। और एक पूरे बड़े एक्सप्रेसवे के अंदर भी घाट बना, जो कि आज के डेट में जो सबसे ज्यादा कंजेशन और एक्सीडेंट प्रोन जोन है वो इसी घाट का है। लेकिन क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास में पैसे भी आ गए हैं, टेक्निकल इश्यूज भी इंडिया के अंदर अभी नहीं रहे, इसके वजह से जो प्रोजेक्ट बनाया जाने वाला था इन दो घाट के क्रॉस वाले रीजन को स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करने के लिए, उसे अब बनाया जा रहा है, जिसे कहा जाता है द मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट, और कुछ सालों में ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितनी डिफिकल्टीज आ रही थी, जिसके कारण प्रोजेक्ट जो इतना आगे बढ़ा। और हर प्रोजेक्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जितना लकी नहीं होता है जहां पर कोई दूसरा अल्टरनेटिव मिल जाए। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के जरिए गवर्नमेंट को उम्मीद है कि बहुत ज्यादा पैसे इनके बचेंगे और टाइम भी साथ साथ बहुत ज्यादा बचेगा। बात करते कुछ और रीजन की जिसकी वजह से स्ट्रेट रूट्स बना पाना एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट बात है, और वो है ड्राइवर सेफ्टी। अगर आपने कभी बहुत लंबे समय तक एक्सप्रेसवे पे ड्राइविंग की है तो आप जानते हो कि एक समय के बाद में वो थोड़ा बोरिंग बन जाता है। सीधी लाइन के अंदर गाड़ी जब गियर चेंज नहीं करती ऑटोमेटिक हो तो वो भी नहीं होता है, उसके अंदर अगर क्रूज कंट्रोल आ जाए तो ज्यादा कुछ ध्यान देना ही नहीं पड़ता है गाड़ी के चलाने के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली अटेंशन जो है वो ग्रैब करने के लिए ज्यादा चीजें होती नहीं है। आपको ना ट्रैफिक पे ध्यान देना है, ना इंटरसेक्शन पर, ना कि एंट्रीज पर। और अगर ऐसे स्ट्रेट रोड बनाए जाएंगे तो ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जहां पर ड्राइवर्स जो है वो
ध्यान देना छोड़ दे, उन्हें नींद आ जाए, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट हो जाने की वजह से जहाँ पर एक्चुअल में ध्यान देने की जरूरत है वहाँ पर ध्यान न देने की वजह से एक्सीडेंट की संख्या बढ़े। और ये कोई ऐसी हवा बाती नहीं है, ये कई सारे रिसर्च स्टडीज में और सर्वेस में देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक रोड पर अटेंशन ना देने की वजह से ड्राइवर्स जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसके कारण कई बार हमें रोड्स पर एक्सप्रेसवे पर रंबल स्ट्रिप्स देखने के लिए मिलती है, छोटे मोटे कर्व्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, कई बार रोड का टेक्सचर जो है वो डिफरेंट हो जाता है कुछ सेक्शंस के बाद में, जिसके कारण कुछ नया ड्राइवर को फील हो और इनका अटेंशन ग्रैब किया जा सके। अगर एक बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक इसी तरीके से गाड़ी चलाने की जरूरत पड़ती है तो हाईवेज एक्सप्रेसवेज जो है इनके अंदर की जो छोटी छोटी चीजें आज के डेट में इंक्लूड की जाती है ड्राइवर अटेंशन रखने के लिए, वो भी काम में नहीं आएगी और इसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स है वो बढ़ते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर छोटे मोटे एक्सीडेंट्स नहीं होते, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रेट लाइन्स और बड़े रोड्स पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि गाड़ियां काफी तेज से होगी, तो एक नॉर्मल सा स्क्रैच जो स्पीड ब्रेकर के साथ में या फिर डिवाइडर के साथ में होता है वो एक फेटल एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। और ऑब्वियसली कोई भी सरकार इस तरीके के रोड्स नहीं बनाना चाहती जो लोगों के लिए जानलेवा हो। रोड्स जो होते हैं उनका काम होता है जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को, उतने ज़्यादा जगहों को, उतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को और उतने ज़्यादा बिजनेस को कनेक्ट करते हुए वो आगे बढ़े, चाहे वो गांव हो, शहर हो, अर्बन एरियाज़ हो, रेजिडेंशियल एरियाज़ हो या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज़। ड्राइवर्स की और लोगों की सेफ्टी वो रखे, ये चीज़ें करते हुए गवर्नमेंट अपने पैसे भी बचाए, लीगल लूपहोल्स, लीगल इशूज़ के अंदर चीज़ें प्रोजेक्ट ना पड़े, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके और जितना हो सके उतना किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर से यूटिलाइजेशन निकाला जा सके। इन गोल्स को अगर ध्यान में रखे, जो स्ट्रेट लाइन इनिशियल सोच के अंदर एक काफ़ी एफिशिएंट डिज़ाइन लगता है वो बाद में काफ़ी इनएफिशिएंट बन जाता है, जिसके वजह से हम आज के डेट में ना सिर्फ इंडिया में लेकिन दुनिया भर में कहीं पर भी बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए स्ट्रेट लाइन में रोड्स नहीं बनाते। फिर इसे मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि कैश क्रो एक ऐसा ऑल इन वन ऐप है जो आपको फ्री मनी देता है ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, तो आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के जरिए कैश क्रो के लिए साइन अप करना ना भूले या डायरेक्टली प्ले स्टोर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर PD25 कोड को इस्तेमाल करें साइन अप के दौरान और ₹25 का बोनस आपको मिल जाएगा जो आप अपने माय अर्निंग सेक्शन के अंदर चेक कर सकते हो। तो अभी लिंक के जरिए कैश क्रो ऐप को इस्तेमाल करना शुरू करें।